हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ ट्री। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। गाइज, हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की जो एक्सरसाइज थी और इस जो एक्सरसाइज के एग्जांपल थे वो मैंने पीछे वीडियोस में करवा दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लेना। अब इस वीडियो में हम क्या स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन ए, सिकेंट ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। तो हमें साइन ए, सिकेंट ए और टेन ए को कोटे की टर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो साइन को लिखते हैं, साइन ए को लिखते हैं। हमने क्या पढ़ा है पीछे, साइन क्या होता है, साइन थीटा होता है 1/ कोसिकेंट थीटा। ठीक है, तो यहां से साइन ए क्या आ जाएगा, 1/ कोसिकेंट ए आ जाएगा। ठीक है ना, हो गया। अभी यहां से साइन ए तो ये आया है, अगर हम साइन स्क्वेयर निकालें, साइन स्क्वेयर ए इज इक्वल्स टू 1/ कोसिकेंट स्क्वेयर ए। ठीक है, अगर मैं इस साइड स्क्वेयर लगा रही हूं तो इस साइड भी स्क्वेयर, मतलब साइन स्क्वेयर क्या आ जाएगा, 1/ कोसेकेंट स्क्वेयर है। ठीक है, तो यहां से अभी कोसेकेंट स्क्वेयर ए साइन स्क्वेयर है। अभी अगर हम इसको डायरेक्ट कोसेकेंट स्क्वेयर ए की जगह पुट कर देंगे ना तो यहाँ पे साइन स्क्वेयर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये स्क्वेयर हटाएंगे, तो ये स्क्वेयर हटाएंगे तो इस साइड रूट लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल्स टू 1/ कोसिकेंट स्क्वेयर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से 1 के ऊपर रूट अलग लग जाएगा और नीचे अलग लगा देते हैं कोसी, इस 1 का मतलब 1 ही होता है। तो ये आ गया 1/ रूट कोसिकेंट स्क्वेयर ए आ गया। ठीक है, अभी यहां तक नहीं, अभी कोट के टर्म में निकालना है। तो अभी साइन ए 1/ रूट कोसिकेंट स्क्वेयर ए आया। ये हम क्यों लेके आए हैं, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है जो कोसिकेंट स्क्वेयर ए, ये आइडेंटिटी पढ़ी है, कोसिकेंट स्क्वेयर ए होता है 1+ कोट स्क्वेयर ए के। ठीक है, ये आइडेंटिटी पढ़ी है। तो अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/ कोट स्क्वेयर ए। तो यहाँ पे साइन ए को हमने लिख दिया कोट के टर्म में, इतना हो गया। अभी किसको लिखना है, सिकेंट ए को लिखना है। सिकेंट ए, तो देखो सिकेंट ए क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है, सिकेंट स्क्वेयर ए एक आइडेंटिटी पढ़ी है। हम सिकेंट ए को निकाल रहे हैं पहले, तो कैसे हो जाएगा ये, सिकेंट स्क्वेयर ए होता है इज इक्वल्स टू 1+ टेन स्क्वेयर ए। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है इसी एक्सरसाइज में, सिकेंट स्क्वेयर ए इज इक्वल्स टू होता है 1+ टेन स्क्वेयर ए। ठीक है, तो यहां से सिकेंट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा 1+ टेन स्क्वेयर ए। ठीक है, तो टेन क्या होता है, टेन होता है 1/ कोट होता है। ठीक है, साइन अपॉन कोस भी होता है लेकिन टेन इज इक्वल्स टू 1/ कोट भी होता है। ये पीछे मैंने सारे फॉर्मूले करवा रखे हैं, तो आप पीछे वाली वीडियो एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, तो यहां से ये क्या आ जाएगा, 1+ टेन स्क्वेयर ए की जगह टेन ए का क्या होता है, 1/ कोट ए होता है। टेन स्क्वेयर ए क्या हो जाएगा, 1/ कोट स्क्वेयर ए, 1/ कोट स्क्वेयर ए, ये रूट नीचे तक लगेगा। ठीक है, तो सिकेंट ए को भी हमने किसके टर्म में लिख दिया, कोट के टर्म में लिख दिया। अभी हम किसको लिखेंगे, टेन ए को लिखेंगे, टेन ए। तो टेन ए का तो डायरेक्ट पढ़ाई है, क्या होता है, 1/ कोटे। तो ये तो होता ही फॉर्मूला है, टेन ए 1/ कोटे। तो इसको भी कोट के टर्म में लिख दिया।
साइन को भी लिख दिया, सिकेंट को भी लिख दिया, टेन को भी लिख दिया। तो बस हमने इसमें क्या करना था, साइन सिकेंट और टेन को कोट के टर्म में लिखना था। ठीक है, अभी इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में क्या गिवन है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सिकेंट ए। तो एंगल ए लेके चलना है और जो सिकेंट के टर्म में लिखना है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सबको, इसका मतलब हमें साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए और कोसिकेंट ए, इन सबको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, सिकेंट ए को छोड़ के बताया, सिकेंट ए तो सिकेंट ए में है ही, इनको हमें किसकी फॉर्म में लिखना है, इनको लिखना है सिकेंट ए की फॉर्म में। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम साइन को लेके चलेंगे, फिर कोस को, फिर टेन को, फिर कोट को, फिर कोसिकेंट को, सब अलग अलग करके कैसे लिखेंगे, पहले तो साइन को लिखते हैं। साइन, साइन ए क्या होता है, यहाँ पे कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए इक्वल्स टू होता है वन। ठीक है, तो यहां से साइन क्या, साइन स्क्वेयर ए क्या आ जाएगा, वन माइनस कोस स्क्वेयर ए, तो साइन ए क्या आ जाएगा, रूट वन माइनस कोस स्क्वेयर ए। ठीक है, साइन ए की वैल्यू आ गई, और हमने ये वाली आइडेंटिटी जो जो यूज होगी ना वो मैं आगे लिखते जाऊंगी। तो कोस ए होता है सिकेंट ए के, तो यहां से साइन ए क्या आ जाएगा, कोस ए होता है वन अपॉन सिकेंट ए, तो कोस स्क्वेयर ए क्या हो जाएगा, वन अपॉन सिकेंट स्क्वेयर ए, तो वन माइनस वन अपॉन सिकेंट स्क्वेयर ए, तो साइन को लिख दिया हमने सिकेंट की टर्म में। ठीक है, इतना आ गया। अभी हम किसको लिखते हैं, अभी देखो यहां से साइन की वैल्यू तो आ गई हमारी, साइन की क्या ही है, वन माइनस वन अपॉन सिकेंट स्क्वेयर ए, इसको हम आगे भी सोल्व करके लिख सकते हैं। आगे कैसे लिखेंगे, यहां से सिकेंट स्क्वेयर ए का एलसीएम लेके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिकेंट स्क्वेयर ए माइनस वन अपॉन सिकेंट स्क्वेयर ए। ठीक है, इतना हो गया। अभी इसको और भी लिख सोल्व करना चाहो तो ऊपर सिकेंट स्क्वेयर ए माइनस वन अपॉन, ये नीचे आ जाएगा सिकेंट स्क्वेयर ए, तो इस स्क्वेयर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये एग्जैक्ट क्या आ जाएगा, सिकेंट स्क्वेयर ए माइनस वन अपॉन सिकेंट ए आ जाएगा। तो ये साइन की टर्म में आ गया, साइन ए को सिकेंड के टर्म में लिख दिया। क्या कर लिया हमने, ये जो वाली आइडेंटिटी थी ये लेके चले हैं, देन यहाँ पे क्या किया है, जो एक आइडेंटिटी कोस इक्वल्स टू वन बाई सेक वाली यूज होगी और ये आ जाएगा। अभी हमने एक चीज और पढ़ी है, अगर साइन का आ गया तो कोसिकेंट का भी आ सकता है, क्योंकि हमने एक पढ़ा है साइन ए होता है वन अपॉन कोसिकेंट ए, तो यहां से कोसिकेंट ए क्या आ जाएगा, वन अपॉन साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू क्या आई है, साइन ए की वैल्यू आई है रूट वन अपॉन सिकेंट स्क्वेयर ए माइनस वन अपॉन सिकेंट ए, ये आई है। तो इसमें ये सिकेंट ए ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये देखो हमने पढ़ा है अगर वन के नीचे ए अपॉन बी होता है तो बी ऊपर चला जाता है, ए नीचे ही रहता है, ये जो नीचे वाली होती है ऊपर चली जाती है, तो यहां से कोसिकेंट ए क्या हो जाएगा, कोसिकेंट ए हो जाएगा, सिकेंट ए ऊपर चला जाएगा, तो सिकेंट ए अपॉन रूट सिकेंट स्क्वेयर ए माइनस वन, तो ये आ जाएगा। कोसिकेंट को लिख दिया हमने सिकेंट की टर्म में, साइन को लिख दिया, कोसिकेंट को लिख दिया। अभी हम नेक्स्ट करते हैं, तो अभी हम कोस को लिखते हैं, कोस ए, तो कोस ए का हमें पता है कोस ए क्या होता है, वन अपॉन सिकेंट ए होता है, ये तो ऑलरेडी सिकेंट के टर्म में होता ही है, तो कोस ए क्या आ जाएगा, वन अपॉन सिकेंट ए।
है। अभी क्या 10 का रह गया और कोट का रह गया, तो 10 को कैसे, कौन से वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे, जो 1 + 10² a इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेकेंड स्क्वेयर ए, ठीक है। तो 10² a को इसी साइड रख लेंगे और ये इस साइड चला जाएगा, सेकेंड स्क्वेयर ए माइनस 1। तो यहां से है ना 10² ये आ तो गया 10 सेकेंड की फॉर्म में, लेकिन स्क्वेयर है तो हम इसका स्क्वेयर हटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10 a इज इक्वल्स टू रूट लग जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वेयर ए माइनस 1। तो ये 10 के टर्म में आ गया, 10 के टर्म में हो गया। अब सिर्फ किसके टर्म में रहता है, कोट की। तो देखो अगर 10 का निकल गया तो कोट का भी निकल जाएगा, कोट किस क्या होता है 1/10 होता है, 10 की वैल्यू क्या आई है 1/√sec² a - 1 आई है, तो ये 10 के टर्म में निकल गया। ओके, तो इसमें कुछ भी नहीं करना था, बस हमें सिकेंड को छोड़ के जितने भी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बच गए ना सबको सिकेंड की फॉर्म में लेके आना था, सिकेंड में के टर्म में लेके आना था, ठीक है। तो क्या किया है, बस नॉर्मली पहले तो साइन स्केयर प्लस कोस्केयर इजिकल्स टू 1 वाली आइडेंटिटी लेके चलेंगे, एक 1 + 10, देखो साइन प्लस कोस वाली से तो साइन और कोसिकेंड का निकल जाएगा, और 1 + 10² a इजिकल्स टू सिकेंड स्केयर वाली से इसका 10 का और कोट का निकल जाएगा, क्योंकि 10 का निकल गया तो कोट का भी निकल जाएगा, और कोस होता है 1/sec² a में है, तो ये इजिली निकल जाएगा। ओके, अगर यहाँ तक आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना। ओके, थैंक यू।